वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो वेदांता स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे ग्रीन 224 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी वेदांता स्टॉक ने। तकरीबन 1.62% की गिरावट भी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। तो मार्केट कैप देखा जाए वेदांता का, तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली देख सकते हैं कि वेदांता ने पिछले 2-3 महीनों में बहुत सी गिरावट देखने को मिले। मार्केट कैप देख सकते 83,000 करोड़ के ऊपर है और यहाँ पे पी रेशियो देखा जाए तो 4.36 का है, जो कि यहाँ पे अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सी गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो बाकी के डिटेल देखा जाए जैसे बुक वैल्यू अच्छा है 176, डिविडेंड 20% का है, डिविडेंड जो कि अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है स्टॉक। आरओसी 32.3 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.8 है, फेस वैल्यू ₹1 का है। कंपनी के ऊपर जो लोन है 53,000 करोड़ के ऊपर है और नेट प्रॉफिट 18,800 करोड़ का है। ईपीएस जो है 50.6 है। सेल्स कंपनी के 1,32,000 करोड़ के देखने को मिले थे और टोटल एसेट जो है 1,98,000 करोड़ के ऊपर है। प्रमोटर होल्डिंग 69% की, जो कि अच्छी खास है, पर प्रॉब्लम है कि वो सारे के सारे जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेस्ड है यहाँ पे आप देख सकते 100%, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक साल में देख सकते हो कि गिरावट हो चुकी है 17% से ज़्यादा। तो बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि अच्छे अच्छे पॉइंट में बात की जाए तो देख सकते हो कि तकरीबन जो कौन से, उसके पहले हम कौन प्रोज देखेंगे। स्टॉक यहाँ पे अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रहा है। कंपनी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाले क्वार्टर का नतीजा भी अच्छा दे देगी और यहाँ पे पिछले 5 सालों में यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है यहाँ पे वेदांता लिमिटेड में। कंपनी का हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी खासी है, पिछले 3 साल में अच्छा ट्रैक रखा है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा दे रही कंपनी। कॉन्स में तो देख सकते कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है 38,000 के ऊपर है और यहाँ पे प्रॉब्लम जो है कि हमने पहले भी बात की कि प्रमोटर होल्डिंग है, सारे शेयर्स प्लेज है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वेदांता स्टॉक के लिए।